अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद 946 एंड वेलकम टू माय यूट्यूब सीरीज। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम नीच अपनी कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट अभी आपको मैं एक ओवरव्यू, एक माइंडसेट आपको बनाना चाहता हूं, आपके माइंड में एक चीज बैठाना चाहता हूं कि हम अपनी यूट्यूब नीच, अपने यूट्यूब चैनल की नीच कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और हमें किस चीज़ पर फोकस करना होता है। जब एक नया पर्सन, न्यू पर्सन YouTube पर आता है और वो अपना चैनल क्रिएट करना चाहता है, बट अब उसे कन्फ्यूजन ये हो रही होती है कि वो अपने YouTube चैनल पे क्या अपलोड करे, कैसे अपलोड करे, कहाँ से रहे, वो इस तरह से करता है, बहुत सी चीज़ों को मिक्सअप कर देता है। मिक्सअप करने के बाद वो अपने चैनल पे अपलोड करता है और उसके सब्सक्राइबर्स नहीं बन रहे होते और बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, उसके लाइक्स नहीं आ रहे, उसके व्यूवर्स नहीं आ रहे, तो वो डिसहर्ट होता है और डिसहर्ट होकर यूट्यूब छोड़ देता है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से नहीं करना, आपने इस तरह से यहाँ पर नहीं करना कि ट्रेंड को भी पकड़ रहे हैं, टेक भी पकड़ रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपने एक नीच पकड़नी है, बिजनेस की भी आपको एग्जांपल्स दी थी, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके मेरी दूसरी वीडियो देखें, आपका एक माइंड सेट क्लियर होगा, देन इस वीडियो पर आप आ जाएं। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी नीच कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले नीच में ये है कि सबसे पहले आप खुद को देखें, आपका पैशन क्या है, आप मतलब कि क्या वीडियोस बना सकते हो, किस तरह से वीडियोस बना सकते हो। लाइक आपने वॉइस ओवर करनी है, वो चैनल भी हम देखेंगे वॉइस ओवर किस तरह से होती है, और उन चैनल्स को भी विज़िट करेंगे, लाइव विज़िट करेंगे। मैं बहुत से ऐसे चैनल्स को जानता हूँ और बहुत पहले से देख रहा हूँ, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं कुकिंग के भी देखेंगे, मतलब सब चैनल्स को हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि चैनल्स मतलब ये नीचेस होती क्या हैं और हम इस नीच पे कैसे काम करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी हम आगे जाकर करेंगे। अभी आप अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लें, अपने माइंड सेट को क्लियर कर दें कि एक चैनल पे आप डिफरेंट वीडियोस स्टार्टिंग में एक चैनल पे ज़्यादा से मतलब के डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले आपने अपना पैशन देखना है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आप किस चीज़ में अपना बेस्ट दे सकते हो और किस चीज़ को आप बहुत अच्छे से लेके चल सकते हो। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं टेक चैनल बहुत अच्छे से बना सकता था, मुझे पता है कि मैं इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ चैनल कैमरा के सामने भी मैं आकर बैठ के बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, तो मैं इजीली यहाँ पर आके आपसे रिलेट कर रहा हूँ, आपसे लिंक हो रहा हूँ, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग होते हैं कि वो डायरेक्ट बात नहीं करना चाह रहे, वो वॉइस ओवर करना चाह रहे हैं, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप बोलते रहें और अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं, मसला कोई नहीं है इसमें कि आप यार स्क्रीन के सामने आना लाजमी है, ज़रूरी है। मैं कुछ ऐसे चैनल भी आपको ज़रूर बताऊँगा कि कुछ नहीं बहुत सारे बताऊँगा कि आप बिहाइंड दी कैमरा, मतलब कैमरा आपके सामने ना हो, आप कैमरे के सामने आपको आना ना पड़े, आप वीडियोस बना सकते हो और इजीली अपने चैनल मोनेटाइज करके इजीली अर्निंग कर सकते हो। वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, बट मैं साथ साथ आपको जब जैसे जैसे वीडियोस बनाता रहूँगा वैसे वैसे आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अगर यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, तो इस वजह से साथ साथ जो जो वीडियो बनाता रहूँगा उसके साथ साथ आपको मैं बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और कैसे चलती है। अब सेकेंड चीज़ हमने अपने नीच फाइंड करने में ये देखनी है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, मतलब डिमांड क्या है। अब ये आता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स में, लाइक न्यूज़ आ रही होती है, लाइक व्लॉग्स आ रहे होते हैं, लाइक इंटरटेनमेंट वीडियोज़ आ रही होती हैं, लाइक इस तरह की जो जितनी वीडियोस होते हैं वो डिमांड में ज़्यादातर रहती हैं। अब टेक की बात करें तो इसे ज़्यादातर लोग नहीं देखते, मतलब कि बहुत से लोग इसे नहीं देखते, 30K देखते होंगे, 50K, बहुत ही अगर ट्रेंडिंग पे चले जाओ 1 मिलियन क्रॉस कर लेती है, इससे ज़्यादा लोग नहीं देखते। अब कंपेयर करते हैं इंटरटेनमेंट चैनल पर जो के प्रैंक करते हैं, उनके व्यूज़ कंपेयर करें अपने चैनल के साथ, तो हमारे व्यूज़ कुछ भी नहीं होते क्योंकि वो लोग इंटरटेन होना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इंटरटेनमेंट की व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और मतलब कि सब कुछ ज़्यादा होता है, मतलब लोग ज़्यादा लिंक करते हैं, ये ना सब पकड़, मतलब सभी लोग जाए भाई हमने प्रैंक बनाने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, ठीक है यार। अपना माइंड सेट आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। अब मैं व्लॉग भी करता हूँ, टॉक भी करता हूँ, मतलब व्लॉगिंग टॉक का मेरा चैनल है, उसके अलावा अनबॉक्सिंग करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं घर बैठ के ईजिली
अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियोस बना सकता हूँ और इजीली कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठे इजीली कोई वीडियोस बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं तो आप बाहर ना जाएं। अगर आपके पैशन है कि आप बाहर जाके लोगों के साथ मजाक करें, इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाएं, प्रैंक करें, जो कुछ डिपेंडिंग ऑन यू योर स्किल्स, बहुत बेस्ट है। लोगों को हंसाएं, हमें भी हंसाएं और सबको हंसाएं और ख़ुद भी एक ब्रांड बन जाए। नीच फाइंड कर लिया आपने, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। अब आपने स्टार्ट नहीं किया अभी, मतलब सोच लिया आपने, ये कर लिया, उसके बाद आपने कंपटीशन को देखना है कि जो चैनल आप बना रहे हैं उसमें कितना कंपटीशन है। आप प्रैंक के चैनल्स की मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ कि प्रैंक के चैनल में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है भी और नहीं भी है। किस्सा क्योंकि कुछ बड़े चैनल्स हैं जिनको मैं जानता भी हूँ और काफ़ी टाइम से मतलब फॉलोअप भी कर रहा हूँ, उनके कंपैरिजन में अगर आप न्यू चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि आपकी कंपटीशन में वो बहुत पहले आ चुके हैं और उन्हें लोग जानती है, वो ब्रांड है। तो आप जब न्यू चैनल क्रिएट करेंगे तो आपने अपने कंपटीशन को देखना है, अपने कंपटीटर को देखना है, यार ये कितने टाइम से यूट्यूब पर है और इसकी ऑडियंस जो है ये किस तरह से ऑडियंस आ रही है, मतलब इसको कितना लोग देख रहे हैं। आपने एनालाइज करना है उस बंदे को, उस चैनल को, एक चैनल को नहीं, जितने भी आपके कंपटीशन कंपटीटर्स आ रहे हैं उन सबको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि एक एक करके देखना है यार इसके चैनल के में कितने सब्सक्राइबर्स हैं। आपने एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है अपने पास सबके चैनल का नाम लिख के, लिंक पेस्ट करके वहाँ पर आपने नाम भी लिखना है और सब्सक्राइबर भी लिखने और डेली व्यूवर्स भी जितने आ रहे थे वो भी आपने लिखना है। अगर आपको ये आगे जाकर मैं बता दूंगा किस तरह से करना है, बट अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ इससे आप अपने कंपटीटर को देख के उसके बाद अपने चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो भाई घबराने की कोई बात नहीं, यूट्यूब है, उन्हें भी देख रही है, फ्री में है, आपको भी देखेगी। अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपटीशन में अगर आप बहुत लो हैं तो ऊपर कैसे आना है वो भी बताऊँगा मैं। तो मतलब ये है घबराने की कोई बात नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो मतलब आप आउट हो जाएंगे आने से पहले ही। तो कंपटीशन सब चीज़ में होता है, आप जिस भी चैनल में चले जाएं, जैसे भी चले जाएं, तो कंपटीशन से घबराना नहीं है। कंपटीशन को हम कम्पीट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मैंने नहीं बताई, अगर बताऊंगा तो एक तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, दूसरी आपको समझ भी नहीं आएगी। मैं ये जो बहुत सी चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं यहाँ पर, वो मैं साथ साथ आप जब वीडियोस बनाता रहूँगा वो साथ साथ आपको बताता रहूँगा ताकि प्रैक्टिकल भी हो रहा हो और वो बात भी बता रहा हूँ और आपको भी समझ आ रही हो कि यार ये चीज़ ऐसे होती है और इसको ऐसे लेकर चलना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स है भाई, कमेंट कर दें या फिर इंस्टा पे डीएम कर दें, मैं आपको वहाँ पर भी बता सकता हूँ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।